सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें गया से दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से। यहाँ पे वार्ड कलेक्शन चल रहा है, अलग अलग जा रहे हैं, कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है जनता बोल रही है। अलग अलग मोहल्ले में 28 तारीख को इलेक्शन की वोटिंग है, तो हमने कोशिश की ग्राउंड जीरो से जहाँ तक हो सके कैंडिडेट से बातचीत कर सके। उनका जो जनता उनके साथ जुड़ी है वो क्यों उनको समर्थन कर रही है ये भी हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा आप बताइए, जो ये कैंडिडेट हैं उनके साथ आप क्यों जुड़े हैं? क्या बताएं, अजब सितम है गवाही में किनको लाएं हम, हवा ने जख्म दिया है तो क्या दिखाएं। वाह क्या बात है, चाचा ने तो एकदम प्रोग्राम की शुरुआत बड़ी शानदार कर दी। और बोलिए चाचा, आपको पूरा अधिकार है, जो भी बोलिए। क्या बात बोला है आपने। बस अगर बदलाव चाहिए इस मोहल्ले, शेर व शायरी में बदलाव दिखाइए आप। जी नहीं नहीं, और भी बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, और भी बोलिए। नहीं नहीं, देखिए अगर जो है ना मन बनाए हुए सब लोग बदलाव की, इंशाल्लाह बदलाव आएगी, जरूर आएगी इंशाल्लाह। बहुत किसी शेर के साथ अपने जो कैंडिडेट है उनकी बात रखिए, तब उसमें ज़्यादा आप पहले कैंडिडेट तो दीजिए। मैं बात करूँगा आप तभी उसके बाद बढ़ूँगा। नहीं, जनता बोल रही है, जनता बोल रही है जी, जनता बोल रही है जी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो साथ सारे जमाने को लेकर चलो। बिल्कुल, मैं इस ताला चार को चाबी है उसको बदलना चाहता हूँ। इस वार्ड में बहुत पुरानी ताला हो गई है और चार चाबियाँ हैं, वो चारों चाबियों को ताला को बदलना चाहता हूँ। आखिर इस कैंडिडेट में क्या खूबी है ये ज़रा बताइए। ये कैंडिडेट को हम लोगों ने इसको खुद खड़ा किया है, और हम लोग के चाहत से ये खड़ा हुए हैं। हम लोग ये अपने तरफ से खड़ा नहीं हुए, हमने इसको अपना समझ के, अपने बच्चा समझ के इसको खड़ा किया है कि हमको बदलाव चाहिए। या आप ये मानते हैं कि आप लोगों ने खड़ा किया है? जी जी, हम अच्छा से मानते हैं। अच्छा, क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है इस कैंडिडेट में जी? बहुत क्या खूबी है? बहुत खूब खूबी है, पढ़ा लिखा है, ये हमारे बहुत काम भी किया है, बहुत काम भी किया है, नॉलेज भी है, और हम लोग के साथ फील्ड में काम। अंधेरा में रहते थे, उजाला में रहने लगे, एकदम अंधेरे ही में रहते थे, कभी इस एरिया पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ से जो भी जीते हैं कोई काम नहीं, एरिया को बैक साइड कर दिए, यहाँ के लोगों को कभी अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाए नहीं। और ये हम लोग के बीच का है, हम लोग के साथ पला बड़ा है, हम लोग ने सपोर्ट कर इसको आगे लाया है, और चाहते हैं कि इसी के ज़रिए हम लोग भी आगे आए। क्या वाकई माहौल में परिवर्तन है इनके आने के बाद, क्या लगता जी? है हाँ, इनके परिवर्तन है इनको आने का। सबसे पहला चीज़ ये कि बहुत सा लोगों ने बैठा हुआ नोटों ले कर बैठा हुआ, बहुत सा बोतल के सहारे बैठा हुआ है, लेकिन ये बंदा जो है आम पब्लिक के दोबा और इखलाक के सहारे बैठा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इसका साथ दिया। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ है जो इनके समर्थक है, बड़े जोश में है, बड़ा डिफरेंट समर्थक है इनका, तो मैंने तस्वीरें अलग अलग है, इन्होंने बड़ी शेर व शायरी से शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं जो लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने कवरेज किया है, तो यहाँ की जो तस्वीर है बड़ा अलग है। मैं चाहूँगा कैंडिडेट के पास सीधे, आप अपने बारे में बताइए, क्यों जनता आपको समर्थन दे, और आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड, सिर्फ एक मिनट का समय आपके पास होगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर कुरैशी हुआ, मैं इस बार प्रत्याशी हूँ, वार्ड 24 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और हमारा छाप है मोर छाप। मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में था, उसके बाद फिर जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं समाज सेवा में लग गया। मोहल्ले में अच्छा बुरा जो भी काम होता है उसमें पूरा का पूरा सहयोग करता हूँ मैं। मैं उस वक्त इस मोहल्ले में काम कर रहा हूँ जिस वक्त ये मोहल्ला पूरा अंधेरे में था, हमने लाइट लगाने का इस मोहल्ले में काम किया, जिस जगह पर पानी नहीं था पानी का व्यवस्था के लिए हम लोगों ने टंकी अप्लाई किया, और नगर आयुक्त को लिखकर हमने यहाँ पर टंकी लगाने का काम किया। और इस मोहल्ले में किसी तरह का भी घटना दुर्घटना किसी तरह का भी मामला होता है, मैं पूरी तरह से हम और मेरे घर के सारे लोग मोहल्ले के लोग पूरी तरह से हर चीज़ के लिए हम लोग सहयोग करते हैं, और सबको लेकर एक साथ चलते हैं। एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा वाला काम नहीं है। यहाँ इससे पहले जो प्रत्याशित हैं उनको हम ही लोगों ने बनाया, ये अवाम जो है वन साइडेड वोट करता था हमेशा, और हमेशा हम ही लोग ने उनको बनाया। लेकिन होता था क्या कि हमेशा ये 15 साल से एक रिकॉर्ड चल रहा है इस मोहल्ले में, ये पार्टनरशिपिंग के नाम पर और कास्ट वाइज इलेक्शन चल रहा है,
जिसके कारण वही कैंडिडेट बार बार आ रहे हैं जो इस जगह पर पहले से मौजूद हैं, और कुछ काम नहीं, सिर्फ वन साइडेड काम हो रहा है। लोगों ने मशवरा किया आपस में और मुझको कहा कि इस बार आप इलेक्शन में खड़े हो और अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए एक ऐसा पार्षद चुन रहे हैं ये लोग कि मैं इस मोहल्ले के चारों कोनों को लेकर चलूँगा। मैं पार्टिकुलर सिर्फ एक एरिया का पार्षद बनना नहीं चाहता हूँ, और ये एक मेरा समझ लीजिए कि एक फ्यूचर इसमें अगर बनता है तो मैं ऐसा काम करूँगा कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी इंशाल्लाह ऐसा काम करके दिखाऊँगा लोगों को कि एक नस्ल फिर इस पर चलेगा। मैं रेगुलर ऐसा काम करूँगा कि सब लोग खुश रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? मोहर छाप जा रही। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? मोहर छाप जा रही। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यहाँ बुजुर्ग लोग बहुत है, जो सबसे अच्छी चीज मुझे दिखी कि बुज़ुर्ग लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों को ग्राउंड जीरो से हमने दिखाने की कोशिश की। लगातार प्लाज्मा न्यूज़ को आप इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।